हेलो चिल्ड्रन, हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। और आज ईद है ना। और मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको जो आपके लेक्चर्स हैं वो कंटिन्यूटी में रखूँगा। तो मैंने अभी इलेक्ट्रिक करंट की आपको थ्योरी समझा दी है। अब मैं सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स पर आ रहा हूँ, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स बहुत बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने खुद पढ़ रखे होते हैं, टेंथ में करंट के बारे में पढ़ा था, उसी से लेवल से स्टार्ट करके मैं बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाऊंगा। तो आप मेरा कोई भी लेक्चर मिस ना करें और सब्सक्राइब तो कर ही दें, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है, बात कर रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स माई राजीव सर, ठीक है। आपको ये थोड़े थोड़े बेसिक जो है ना, वो सब आपको दिमाग में रखना चाहिए कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। सपोज करो मैं पहले सीरीज की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे बात करेंगे। मान लो मेरे पास ये 4 ओम का रेजिस्टर है और ये 6 ओम का रेजिस्टर है, ठीक है। पसंद आ रही है? बहुत बढ़िया बात है जी, बहुत बढ़िया बात। इनके बीच में मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे। 20 वोल्ट, 6 4 10, 20 वोल्ट का मैंने एक पोटेंशियल रेफरेंस दे दिया। तो मैंने पूछा, बताओ भैया B1 कितना आएगा, B2 कितना आएगा, यानी कि इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो वो पूछेगा, बताओ इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल रेफरेंस है और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल रेफरेंस है। तो सुनो आप बेटा, एक कॉन्सेप्ट याद करेंगे। हमें पता है सीरीज में V is equal to IR, ये ओम्स लॉ लगता ही लगता है। सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? करंट कांस्टेंट रहता है। तो V क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, यानी कि V1 is to V2 is equal to R1 is to R2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं V1 निकालूं तो ये R1 upon R1 plus R2 of total voltage, ठीक है, और V2 निकालूं R2 upon R1 plus R2 of total voltage। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं करंट रैंडम नहीं निकालूंगा, तो अभी मैं ये बता रहा हूं, तो आपको कहीं कहीं टिपिकल न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। तो V1 देखिए, V1 क्या आएगा? V1 आएगा 4 upon 10 of total voltage। 8 volt तो ये खा गया, कितने खा गया? 8 volt, ठीक है। V2 निकालते हैं, देखिए V2 जगह R2, 6 अपॉन टोटल 10 ऑफ कितना कितना 20, 10 टू द 20, 12 वोल्ट। ये कितने खा गया? 12 वोल्ट। क्या तुम्हारे पास समझ में आ गई बच्चों? तो हमने ये देखा कि अगर सीरीज में है तो हमें ये अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। ये कहीं कहीं टिपिकल क्वेश्चंस में मैं जब कराऊंगा, बहुत सारे रेजिस्टर होंगे, वहां पर करंट नहीं निकालूंगा। बिना करंट निकाले ही मैं डायरेक्ट जो वोल्टेज निकाल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद और बात करता हूँ बेटा। मान लो यही पावर की बात करता है, इनकी पावर P1 है, इसकी पावर P2। वो पूछता भाई पावर और बताओ, पावर के लिए क्या फॉर्मूला बनाए। तो पावर के लिए फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, देखिए आप दोनों में I तो कॉन्स्टेंट है, तो P जो होगी वो होगी P1 प्लस P2, ये पावर होगी। पावर जो होगी P1 प्लस P2 होगी, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर I² R1 प्लस I² R2। बस समझ में आ रही क्या? मैंने बोला अगर पावर निकालनी है तो इसके बाद I तो कांस्टेंट रहेगा, I कांस्टेंट रहेगा, तो मैं बोल सकता हूं कि P जो है P1 is to P2 इज इक्वल टू, ठीक है, R1 is to R2 आ जाएगा। P1 is to P2 is equal to what? R1 is to R2, because I तो constant है, P is equal to I square R था ना, यह I तो constant है series में, तो क्या हो जाएगा? P जो है वो directly proportional R होगा। तो जिस ratio में resistances होंगे उसी ratio में power distribute होगी। कम resistance है कम power लेगा, ज्यादा resistance है ज्यादा power लेगा, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए P1 is to P2 is equal to R1 is to R2। मान लो तीन रेसिस्टर होते तो मैं बोलता P1 is to P2 is to P3
इज इक्वल टू आर वन इज टू आर टू इज टू आर थ्री, बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, इसके बाद मैं और आगे चलता हूँ। मेरे ये फिर देखें आप, ये बहुत सुनहरा सा अच्छा सा रजिस्टर है, मैंने इसको रब कर दिया। ठीक है बेटा, रब कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, ये रब कर दिया। अब मैं इसी के बात करता हूँ पैरेलल के बारे में। इसके बारे में बात करता हूँ बेटा, पैरेलल के बारे में। पैरेलल देखिए, पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बताइए, मान लीजिए ये आर वन है, ये आर टू है, ये आर थ्री है, ठीक है, इनके बीच में वी तो सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ आ रही है? बोलो बेटा, समझ आ रही है? तो मैंने बोला कि अगर मैं पैरेलल की बात करता हूं और यहां से करंट आई जा रहा है, कितना जा रहा है, आई जा रहा है, तो देखो जरा इसमें क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे। हम बोल सकते हैं कि वी इज इक्वल टू आई आर, इसमें वी कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए आई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। क्या होगा बेटा, आई जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं भैया I1 is to I2 is to I3 का रेशियो जो जाएगा 1 upon R1 is to 1 upon R2 is to 1 upon R3 and so on। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे I1 निकालना है, मान लिया इसमें I1 गया करंट, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, तो मैं कैसे निकालूंगा, बात समझ में आ रही क्या? तो मैं क्या करूंगा बेटा, I1 जो होगा वो क्या होगा, 1 upon R1 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 of total current, total current जो यहां से जा रहा हूं, समझ में आ रही क्या? अब और बात करते हैं, इसी तरह I2 निकालूंगा 1 upon R2 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 of total current I। ऐसे ही क्या करूंगा बेटा, ऐसे ही मैं I3 निकाल दूंगा, 1 upon R3 upon 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon sorry 1 upon R3 of total current। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं, बेसिकली I जो है I1 plus I2 plus I3 है, ठीक है, I1 I1 plus I2 plus I3 है, तो मैं बोल सकता हूं I1 plus I2 plus I3 ये नीचे LCM आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, और नीचे भी आएगा 1 upon R1, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो I1 plus I2 plus I3 is equal to I आ जाएगा। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली मैं कहीं भी करंट पूछता है, करंट दिया है, पहले मुझे अदरवाइज क्या होना होता है, पहले हम टोटल पैरेलल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, याद करो, पैरेलल रेजिस्टेंस ऐड करने के बाद है ना जो V दिया होता है उससे हम I निकालते हैं, है ना, I निकालते हैं, ठीक है, यह मैं बोल सकता हूँ कि इसमें जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें पहले तो रेजिस्टेंस टोटल पैरेलल निकालना पड़ता है, पैरेलल निकालने के बाद इसके अक्रॉस वी दिया होता है आर, तो आई वन निकल के आता है, याद है? तो इसी तरह मैंने, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आपको जो मेथड है एक्चुअल उससे भी कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस समझ आ रही है? ठीक है बेटा, बोलो बेटा। चलो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ, मैं सर्व कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, सीरीज पैरेलल का रेजिस्टेंस का, ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहा हूं। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, अच्छा एक और रह गई, पैरेलल में क्या रहेगा, पावर ऑर्डर, पावर जो होगी इसमें P1 is to P2 is to P3 क्या होगी बताओ, देखो P is equal to V square upon R, इसमें मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया, क्यों, पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है, V कांस्टेंट, और सीरीज में क्या था, I स्क्वायर R लगाया था मैंने, क्योंकि वह I कांस्टेंट रहता था, मैंने लिखा था P is equal to I स्क्वायर R, तो सीरीज में पावर के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला लगाओ और पैरेलल में पावर के लिए हमेशा ये फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, तो बस सिंपल सी बात है, अगर ये कांस्टेंट है, P और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैं बोल सकता हूं 1 upon R1 is to 1 upon R2 is to 1 upon R3, जैसे मैंने अभी करंट निकाला था ऐसे ही मैं पावर भी निकाल सकता हूं, बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया बात है, मैंने इसे रख कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब अच्छे अच्छे बहुत बेसिक से निवेदन शुरू करते हैं, ठीक है,
अब लोगों को क्या करना है, इन सारे जितने भी मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ आपको कॉपी पर सब नोट करने हैं, सारे मेथड, बीच में बहुत सारे मेथड कराने वाला हूँ, ठीक है। और इसके बाद मेरा मेन मोटिव ये रहेगा कि मैं हार्डली 5-7-8 क्लास में न्यूमेरिकल चलाऊंगा, साथ में मैं कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के न्यूमेरिकल भी कराने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी मुझे बोला है कि सर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को अच्छे से समझा दीजिए, तो ठीक है इसके बाद मैं वो भी कराऊंगा। हालांकि मैं फोर्स और चार्ज भी कराने वाला हूँ, ठीक है, लेकिन अभी जो बच्चे कह रहे हैं उस हिसाब से शुरू कर रहा हूँ। लेकिन आपको पढ़ना भी है, एक रूटीन बनाइए, जैसे 1 घंटे डेली मेरे लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। देखिए सुनिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मान लिया मैंने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया बेटा, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, ठीक है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। मान लिया ये 6 ओम है, ये 5 ओम है, ये 8 ओम है और ये 4, 6, 5, 11, 11 इसे 5 ओम मान लिया, ठीक है। करंट कुछ यहां से चला, ठीक है, यहां से निकला और यहां पर मैंने एक बैटरी दे दी, सपोज करो वो दे दी मैंने 135 वोल्ट, कितने की 135 वोल्ट की मैंने बैटरी दे दी और मैंने बोला बताओ ये आर की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। अब सुनो सिंपल सा तरीका, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। अब हमें आर तो ये पता नहीं है तो कैसे निकाले, तो सुनिए आप जरा, हमें पता है ये मेरा 135 वोल्ट है, ठीक है, तो 135 वोल्ट कुछ तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए मान लिया V1 है, वोल्टेज ध्यान से सुनते हैं ना, और कुछ ये खाएगा V2 और लौट के बुद्धू घर को आए तो 0 हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है, सोचो जरा यहां से 135 ये जीरो है बेटा, मैंने बताया था ये 135 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है, कितने की लगी है 135 वोल्ट की बैटरी लगी। अब सुनिए, इसने और क्वेश्चन दिया, यहां से करंट चला होगा, पता नहीं क्या करंट चला, मुझे नहीं पता है, लेकिन उसने बोला कि यहां जो ऊपर गया करंट वो 10 एम्पियर था, ओके, दिस करंट विच इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन थ्रू 6 ओम रेजिस्टर, इट इज 10 ओम, तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट द रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस है ये पता लगाना है। सुनिए, सोचने की बात ये है, ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इसमें देखो आर ये है, करंट इसमें गया, कितने खा गया ये 60 वोल्ट, कितने खा गया ये 10 60 वोल्ट, तो ये तो हो गया 60 वोल्ट, आंसर देख रहे हैं भाई, ये हो गया 60, मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ आंसर के लिए, ब्लू पेन मुझे देखना पड़ेगा बच्चों कहाँ रखा है, एक मिनट देखना पड़ेगा, ये मेरा बैग है देखिए, ये सारे बहुत सारे मेरे पास ये है, ठीक है, इंक, और इसमें ब्लू कलर का भी मुझे पता है, ब्लू कलर ढूंढता हूँ मैं कहाँ है, शायद ब्लू का मेरे ख्याल से बाहर है या अंदर है पता नहीं, ब्लू कलर शायद ये भी नहीं, चलो खैर कोई बात नहीं बेटा, ब्लू अभी नहीं मिल रहा है मुझे, अगर ब्लू मिल जाता तो फिर मैं क्या करूंगा इसके आंसर आसानी से दूंगा, ठीक है, नहीं है ब्लू कलर, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ऐसे ही करते हैं, अभी मैं बता दूंगा एक्चुअल क्या है, मैं कलर चेंज कर लिया करूंगा, जैसे क्वेश्चन लिखा, अब क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए मुझे फिर कलर चेंज करने पड़ेंगे तो मैं कर लूंगा, ठीक है। सुनिए, तो मैं इसको और चेंज कर लेता हूँ, पता नहीं ब्लू कलर कहाँ गया, कोई दिक्कत नहीं मिलेगा, तो चलो रेड मिल गया, ठीक है रेड मिल गया, रेडी है, तो देखिए अगर ये कितने वोल्ट खा गया 60 वोल्ट खा गया, कितने वोल्ट 60 वोल्ट, ये ब्लैक ही है, कोई दिक्कत नहीं, सब ब्लैक ही ब्लैक मिल रहा है भाई, चलो है कहीं होगा मिस हो गया होगा, तो बेटा ये 60 वोल्ट हो गया, ये 135 में से 60 वोल्ट माइनस कर दीजिए तो बचेंगे कितना, 60 माइनस कर दो 5 7, यानी 7 वोल्ट, 75, तो ये कितने खाएगा 75 वोल्ट, भाई बात ध्यान से सुनना, मैं कोई करंट डिपेंडेंट नहीं निकाल रहा हूँ, ये तो पहले क्या पैरेलल निकालोगे तो करंट निकालोगे, वी दिया है तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये कितना आ गया 75 अगर वोल्टेज इसके अक्रॉस है तो यहाँ पर करंट कितना होगा, बताइए करंट
करंट होता है I इक्वल टू V अपॉन R, V कितना है 75, R कितना 5, कितना 15 एम्पियर, कितना 15 एम्पियर। अच्छा तो सोचो जरा, यहां तो 15 एम्पियर करंट आ गया, तो ये सोचने की बात है इधर से 10 गया है तो इधर से 5 एम्पियर करंट गया, कितना 5 एम्पियर करंट गया, मानना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि टोटल तो समेशन करना पड़ेगा बिकॉज द करंट इज द स्केलर क्वांटिटी, तो इट इज द 5 एम्पियर करंट। अब देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज, देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज एक्स वाई मान लूं तो V अक्रॉस एक्स वाई इज इक्वल टू जाएगा बेटा आई आर, आई आर 5 इंटू 5 प्लस आई आर, आई आर 5 आर, और ये एक्स वाई के अक्रॉस वोल्टेज कितने हैं 60 है, क्या है तो 60 इज इक्वल टू 25 प्लस का 5 आर, ये माइनस कर देंगे बेटा तो बचेगा कितना 35 इज इक्वल टू 5 आर, तो आर इज इक्वल टू 7 ओ अच्छा और कितना आ गया 7 आ गया, आराम से कॉपी कर लेंगे आप लोग बेटा, ये कॉपी आराम से कर लेंगे आप लोग, ये 7 ओम मेरा क्या आ गया रेसिस्टेंस आ गया, बस समझ रही है। फिर मैं थोड़ा नेक्स्ट चलता हूं, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन इसे रफ कर दिया बेटा, मैं इसे रफ कर देता हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से दोबारा इसे वीडियो देख लेना और मैं इसे रफ करने जा रहा हूं, तो चलिए मैंने इसे रफ कर दिया। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैं दिखाया कि भैया कैसे कैसे हम करंट या वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है बात समझ आ रही है ओके। अब देखिए मान लिया मैंने फिर दूसरा क्वेश्चन लिया, 1 2 3 ठीक है, ध्यान दीजिए बेटा, मैंने 1 2 मैंने क्या किया, मैंने 3 तो सीरीज में रेजिस्टेंस ले लिए, क्या ले लिए बेटे सीरीज में, और यहां पर भी मैंने 2 पैरेलल, यहां भी सीरीज में ले लिए मैंने, मान लिया ये 1 ओम है, ये 3 ओम है, 1 और 3 4 हो जाएंगे बेटा, और ये 4 ओम है, कितना है 4 ओम, ठीक है ये 3 और 3 6 ऐसा करो 3 कर दो 3 ओम कर दो, चाहे चल भले भले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है कुछ भी ले सकता हूं मैं, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है। मान लिया ये मेरा ये वाला 5 ओम है और ये वाला मेरा 10 ओम, कितना है, कितना है बेटा 10 ओम। मैंने क्या किया, मैंने इसको कुछ वोल्टेज दे दिए, खूब आते हैं इस बोर्ड में क्वेश्चन, सिंपल सिंपल बात कर रहा हूं मैं, अगर लेबल क्या लेकर जाऊंगा अभी देखते जाना, ये कैसा लेबल होता जाएगा देखते जाना, ठीक है अभी मैं बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को सीरीज पैरेलल के बारे में नहीं पता होता है, बेसिकली बच्चे क्या करते हैं जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, वो टीचर क्या करता है वो लिखवा रहा है समझा रहा है, बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं यार समझाने दो, हमें तो कॉपी करना है सब कुछ, वो कॉपी करने के बाद उसको बाद में समझ में कुछ नहीं आता, तो आपको हर एक चीज समझ के करना होता है, तो मैं इसलिए आपको ये चीज समझा रहा हूँ, आप आराम से इनको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा बेटा। मान लो उसने एक पॉइंट यहां दिया x और यहां दिया y, क्या दिया x दिया और y दिया, उसने बोला यहां 120 वोल्ट है सर, कितना ले लो बेटा, ठीक है इसे भी कुछ चेंज करो, 120 से कट जाना चाहिए, 534 4 3 7 और 12 120 और 15, ठीक है मैंने ये मान लिया सिस्टम, ठीक है। अब देखिए यहां से करंट चलेगा कुछ, वो कहता है फाइंड Vx माइनस का Vy, क्या पूछ रहा है वो कह रहा है कि बताना है कि आपका रेसिस्टेंस सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप अगर मैं इन दोनों के बीच में वोल्ट मीटर लगा दूं तो Vx माइनस Vy क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Vx निकालना पड़ेगा एंड PD अक्रॉस Vy निकालना पड़ेगा, फिर हम सोच सकते हैं। आप देखो कैसे सॉल्व करूंगा, तरीका यह है कि पहले मैं इनको सीरीज जोड़ू फिर इनको ऐड करूं, ठीक है फिर मैं टोटल इनको पैरेलल ऐड करूं, फिर V है इससे I निकालूं, I से अलग अलग सबके वोल्टेज निकालूं, मैं क्या करने वाला हूं सुनिए, मुझे ये पता है ये सीरीज में है, मुझे ये पता है ये सीरीज में, तो अगर मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज मीटर लगा दूं, वोल्ट मीटर लगा दूं बेटा, देखो जरा वोल्ट मीटर लगा दिया, उसके वोल्टेज कितने आते हैं 120। अरे भाई ये तो 120 है और ये तो 0 है,
मैंने बताया था आपको, अपने कॉन्सेप्ट में दिया था ये। ये नेगेटिव वोल्टेज हमेशा जीरो मानते हैं, इसको मानते हैं 120 वोल्ट पर, ठीक है। अच्छा अब बेटा सुनो, ये तीनों सीरीज में है तो सीरीज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, सीरीज में करंट सेम रहता है तो याद कर लेंगे बेटा, करंट सेम रहता है तो V1, ये V1 है क्रॉस, ये V2 है, ये V3 है, याद करो V1:V2:V3 क्या आएगा, R1:R2:R3, ठीक है। तो V1 = 5/12 ऑफ टोटल वोल्टेज, कितने है 120, कितना आ गया 10, 50 वोल्ट कितना आ गया, इसने खा लिए 50 वोल्ट, कितने खा लिए 50 वोल्ट, अच्छा जी 50 खा लिए, 120 में से 50 गए, कितने बचे 70, यहां बचे 70 वोल्ट, यहां पर कितने आए 70 है और ये भी 70 वोल्ट रह गए, यानी इसके एक्स के वोल्टेज मुझे पता चल गए, ये 120 में से 50 वोल्ट ये रेसिस्टर खा गया तो कितना बचा 70 वोल्ट, कितना बचा 70 वोल्ट, ओके ठीक है भाई बहुत बढ़िया। चलो V2 निकालना, इसके अक्रॉस कितना आएगा V2 आएगा बेटा, V2 आएगा ये वाला फॉर्मूला लगा 3/12 120 10 30 वोल्ट, ये कितना खा गया, ये कितना खा गया 30 वोल्ट, कितना 30 वोल्ट, बहुत बढ़िया। तो ये 30 खा गया तो 30 और माइनस कर दी, यहां ले जाएंगे 40 अब ये कितना खाएगा 4/V3 कितना आएगा, देखिए V3 आ जाएगा 4/ टोटल, चलो 12 ऑफ टोटल वोल्टेज 120, ये मैंने अभी पीछे फंडा दिया था आपको, ठीक है। तो 10 और ये 40 वोल्ट, ये कितने खा गया, ये खा गया 40 वोल्ट, ये कितने खा गया 40 वोल्ट खा गया भाई, अच्छा तो क्या बचा जीरो, क्या बचा जीरो, तो ये जीरो बचा और ये सब जीरो 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 जीरो, तभी जीरो तभी जीरो, ठीक है। तो मैंने सबके वोल्टेज निकाल दी, इसके निकाल दी, इसके निकाल दी, इसके निकाल दी, सिमिलरली इसके भी निकाल सकता हूँ, क्या ये भी पैरेलल में है इसके, तो 5:V1:V2 = 5:10 यानी कि 1:2, इसलिए V1 = 1/3 ऑफ टोटल 120, 40 वोल्ट, ये खा गया 40 वोल्ट, कितना खा गया 40 वोल्ट, तुम्हारे समझ में आ रही है क्या, अच्छा 40 खा गया, 120 ये था 40 ये खा गया, तो कितना बचा बोलो भाई, भाई 40 माइनस कर दो, 40 माइनस कर दो, 0 12 में से 4 गया 8, 80 वोल्ट बचा, इसका कितना आएगा 80 वोल्ट, यानी कि यहां पर 80 बचेगा तो 80 लीड है ना, 80 ये भी 80 हो गया और ये भी 80 हो गया, 80 वोल्ट यहां बचा, 80 वोल्ट बचा बेटा, 80 वोल्ट और ये आया था यहां पर 70 वोल्ट, ठीक है बहुत बढ़िया। इसका कितना बचेगा, अगर 80 वोल्ट तो 40 ये खा गया, 80 बचा, इसने कितना खाया 10 ओम ने, देखते हैं भाई इस बार ने कितना खाया, निकाली दूसरा तो 2/3 ऑफ 120 40 80 खा गया, ये पूरा कितना खा गया 80 वोल्ट, ये खा गया पूरा 80 वोल्ट, ये खा क्या बचा 0 0 0 0 0, तो ये खा गया, तो मुझे क्या निकालना था Vx - Vy, तो Vx कितना आया, Vx - Vy दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, कैसे निकालेंगे, Vx कितना है बताइए, Vx है मेरा ये 70 और Vy कितना 80, बोले तो माइनस का 10 वोल्ट इज द आंसर, इट इज द आंसर, ठीक है आराम से कॉपी कर ले, देख लीजिए दो बार पढ़ेंगे समझ आएंगी बात, मैं किसी भी पॉइंट पे कहीं भी पोटेंशियल निकाल सकता हूँ, मैंने आपको तरीका बताया, मैंने कोई करंट नहीं निकाला, मैंने सीधी सीधे वो फंडा जो बताया था वो बताया, मैंने आप कर सकते हैं और तरह से भी हो सकता है, नॉर्मल वे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए आप फटाफट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।